सबके राम सब मेराम जय राम जय सिया राम जय जय राम सबके राम सब मेराम जय सिया राम जय जय राम सबके राम सब मेराम जय राम जय सिया जय सिया एक ही नारा एक ही नाम जय सिया जय सिया। आज हम लोग राम ज्योति यात्रा लेकर के जा रहे हैं और हमें बहुत खुशी है कि हमारे पूर्वजों का मंदिर बन रहा है और राम ज्योति वहाँ से लेकर के आएंगे। यहाँ पर घर घर में राम ज्योति जलाई जाएगी और हम लोग जो नफरत रूपी अंधकार फैला हुआ है समाज में, लोगों के दिलों में नफरत फैली हुई है, उस नफरत रूपी अंधकार को राम ज्योति से प्रकाशित करेंगे, उस नफरत रूपी अंधकार को मिटाएंगे और ये संदेश देने का काम करेंगे कि ये किसी भी प्रकार से हम अपने पूर्वजों से अलग नहीं हो सकते। हम चाहे अपना धर्म बदल लें, जाति बदल लें, मजहब बदल लें, भारत भूमि में रहने वाला प्रत्येक व्यक्ति, उसके पूर्वज हिंदू ही थे, भगवान राम और भगवान कृष्ण ही है, इसलिए कोई भी व्यक्ति अपने पूर्वजों से नहीं मुकर सकता। इसलिए हमें बहुत खुशी है कि हमारे पूर्वजों का मंदिर बन रहा है, इसलिए हम राम ज्योति यात्रा वहाँ लेकर के जा रहे हैं। जी, आपकी एक और बहन थी जो कि वहाँ गई थी, उनको धमकियाँ मिल रही कुछ मौलाना वगैरह, तो आप इस पे उनको क्या संदेश देना चाहेंगे या अपनी बहनों को जो और जाना चाहती हैं वहाँ? भगवान राम का मंदिर सबके लिए खुला हुआ है, किसी के लिए भी बंद नहीं है। और जो कट्टरपंथी हैं, जिनको समाज में नफरत फैलाने का काम करना है, जो सिर्फ समाज में नफरत बांटना चाहते हैं, उनके लिए यही संदेश है कि वो अपनी नफरत की दुकान चलाते रहें, मगर हम जैसी बहनें मोहब्बत की का पैगाम फैलाती रहेंगी। जी, बहनों को लगातार जो भी बहनें वहाँ जाने का प्रयास कर रही हैं उनको मौलाना द्वारा जो है कि डरवाया जा रहा है, तो आप क्या कहना चाहती हैं इस पे? ऐसे कट्टरपंथियों, ऐसे नफरत फैलाने वाले धर्म के ठेकेदारों को मेरा यही संदेश है कि वो चाहे जितनी भी धमकी दे दें, चाहे जितना भी आतंक का माहौल बना ले या नफरत फैलाने का काम करे, मगर हम उनसे डरने वाले नहीं हैं, क्योंकि पिछले दिनों जिस तरह से आतंकी धमकी हम लोगों को भी मिली थी, हम लोगों ने डरा नहीं, किसी तरह से अपने कदम को पीछे नहीं हटाया। हम लोग लगातार भगवान श्री राम के लिए काम कर रहे हैं, भगवान श्री राम के अपने पूर्वज मान रहे हैं, उनकी आरती कर रहे हैं, ये काम हम लोग कभी नहीं छोड़ेंगे, क्योंकि ये अमन और भाईचारा मोहब्बत फैलाने वाला काम है, ये नफरत फैलाने वाला काम नहीं है। इसलिए इनकी खोखली धमकियों से हम लोग डरने वाले नहीं हैं और आज देखिए हम लोग निडर होकर के, बिना किसी शस्त्र के, बिना किसी डर के हम लोग अयोध्या जा रहे हैं राम ज्योति यात्रा लेकर के। तो ऐसे लोगों को मेरा कड़ा संदेश है कि वो अपनी नफरत की दुकान, आतंक की दुकान चलाते रहे, हम लोग डरने वाले नहीं है। जी, अपना नाम बता दीजिएगा। नजमा परवीन, विशाल भारत संस्थान। नजमा जी, राम की नगरी में आप जा रही है, प्राण प्रतिष्ठा है राम जी का, क्या संदेश है इसके पीछे? देखिए, ये तो मेरा सौभाग्य है कि शिव की नगरी से निकल करके हम राम की नगरी में जा रहे हैं और आज हम लोग यहाँ से जो यात्रा कर रहे हैं वो यात्रा बहुत ही महत्वपूर्ण है और अपने आप में एक सौहार्द भरने वाली है और साथ ही साथ हमको भी बहुत खुशी है इस यात्रा की, क्योंकि आज हम लोग यहाँ से राम ज्योति यात्रा लेकर के जा रहे हैं और कल प्रभु श्री राम के घर से राम ज्योति लेकर के आएंगे और प्रत्येक मुसलमान भाइयों के घर में भी उस ज्योति को देंगे। इसके पीछे का यही उद्देश्य है कि हमारे आपसी भाईचारे को बनाए रखने के लिए हम लोग ये यात्रा निकाल रहे हैं और साथ ही साथ ये भी कहना चाहते हैं कि प्रभु श्री राम हम सबके हैं, क्योंकि उन्होंने किसी को भी जाति धर्म के उस पर नहीं बांधा और हम लोग जो भी हैं, भारत का जो भी मुसलमान है, सब प्रभु श्री राम के ही वंशज हैं और प्रभु श्री राम हमारे पूर्वज हैं। जी, उन लोगों को क्या मैसेज देना चाहती हैं जो आपकी बहनों को वहाँ जाने से रोक रहे हैं? उनको यही संदेश देना चाहते हैं कि अपनी बहनों को सबसे पहले कि वो डरे नहीं, क्योंकि हमारी रक्षा स्वयं प्रभु श्री राम करेंगे और जो भी आतंकवादी संगठन है या जो भी कट्टरपंथी विचारधारा के लोग हैं उनको सबक वो खुद सिखाएंगे और उनसे डरने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि ऐसे लोग चंद लोग होते हैं जो समाज में आपसी भाईचारे को बिगाड़ते हैं, आपसी सौहार्द को बिगाड़ते हैं और नफरत की भाषा बोलते हैं। तो ऐसे में हम लोगों को इस नफरत की भाषा से निकल करके आपसी सौहार्द को बनाए रखना है और जो ये राम ज्योति हम लोग लेकर के आ रहे हैं ये आपसे आपस में आपसी भाईचारे की ज्योति जलाएगी और सबके जीवन में प्रकाश लाएगी। जी, राम ज्योति के बारे में थोड़ा हमारे दर्शकों को आप जो है संक्षेप में बताइए। राम ज्योति जो वहाँ से हम लोगों को मिलेगी प्रभु श्री राम के घर से, वो हम लोग लेकर के अपने आएंगे यात्रा के दौरान और यहाँ पर आकर के हम लोग सभी घरों में उस ज्योति को देंगे और सबसे हमारी ये अपील भी रहेगी कि उस अखंड ज्योति को जला करके रखें भगवान श्री राम के विराजमान होने तक। 22 जनवरी को प्रभु श्री राम वहाँ पर विराजमान हो जाएंगे और उस दिन पूरा काशी भी अयोध्यामय हो जाएगा और राम की नगरी में राममय हो जाएगा। महाराज जी, काशी
रांची से बहने जा रही हैं अयोध्या श्री राम की नगरी में, क्या संदेश है? ये बहुत अच्छी देश के लिए एक माहौल बनाएगा जिससे कि आज मुस्लिम महिलाएं हमारी शिष्या नाजनी अंसारी काशी से राम ज्योति लेने के लिए जा रही हैं और वहां से राम ज्योति लेकर के अयोध्या से आएंगी। काशी वैसी शिव और राम में अंतर नहीं है, एक दूसरे के पूरक है, तो उसी प्रकार से इस ज्योति के माध्यम से भी काशी और अयोध्या को जोड़ने का कार्य होगा और वहां से ज्योति आकर के घर घर में ये जलेगी, तो मुझे लगता है इससे भी एक शांति और समृद्धि प्राप्त होगी देश के लिए और काशी और अयोध्या के एक मधुर संबंध बनेंगे। मुझे लगता है यह एक पूरे भारत देश के लिए बहुत बड़ी मिसाल बनेगी, बहुत बड़ी एक न्यूज बनेगी मुझे लगता है, और बहुत सुख शांति के लिए एक ये कह लीजिए कि देश भर के लिए माहौल कायम करेगी जिससे कि लोगों को लगेगा और जो कट्टरपंथी लोग हैं उनको भी एक तमाचा लगेगा कि नहीं, देश ये भारत देश शांति प्रिय है और शांति से चलने वाला है, कट्टरता से नहीं। तो मुझे लगता है यह ज्योति जीवन में, सबके जीवन में ज्योति जलेगी, यह भावना के साथ मैं यहाँ से बहने सब जा रही हूँ। मतलब उस ज्योति से काशी भी जगमगाएगा? बिल्कुल बिल्कुल, घर घर जो है ज्योति चलेगी और अयोध्या और राम ज्योति के नाम से जिस प्रकार से यहाँ प्रकाशी में प्रकाशमान होगा और जीवन में काशी नहीं, काशी के साथ साथ लोगों के जीवन की ज्योति जलेगी, भगवान की कृपा बरसेगी, बाबा विश्वनाथ जी की कृपा बरसेगी, इसलिए इस कामना के साथ यह पावन कार्य किया जा रहा। महाराज जी, एक बहन वहाँ पहुँची भी है, उनको मौलाना द्वारा काफी जो है डराया और धमकाया जा रहा है, आप उन मौलानाओं को क्या कहना चाहते हैं? ये सब कट्टरपंथी लोग हैं, इनका जो है बहुत दिन चलने वाली नहीं है, दुकान इनकी बंद होने वाली है क्योंकि इन्होंने आज तक दुकान ही तो चलाई है लोगों को धमका करके, कभी अल्लाह के नाम पर तो कभी किसी के नाम पर तो किसी के नाम पर। लोग समझदार हो चुके हैं, पढ़े लिखे हो चुके हैं, समझ रहे हैं बात को, इन लोगों की दुकानें अब ठप होने वाली हैं और इनके धमकाने से कुछ होने वाले नहीं है। ऐसे मौलवी कितने आए कितने चले गए और जो भक्त हैं वो अपना काम करते हैं वो करते रहेंगे।